अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मुशायद, और आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि क्लाइमेट चेंज का हमारे नेचुरल और सोसाइटियल सिस्टम पर क्या असर आता है। पहले हम देखेंगे कि नेचुरल सिस्टम पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है, फिर हम देखेंगे कि सोसाइटी पर क्लाइमेट चेंज का क्या असर। पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट सिस्टम। जो क्लाइमेट सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखें, सोलर रेडिएशन ओशंस पे पड़ेंगी, ओशंस पे पड़ गई वहाँ से पानी एवेपोरेट होगा, पानी एवेपोरेट होगा, बहुत ज़्यादा एवेपोरेट हो जाएगा, वो एवेपोरेट होकर स्टॉर्म्स बना देगा, वो स्टॉर्म्स बन जाएंगे, फिर वो ऐसे एरियाज के तरफ जाएंगे जहाँ प्रेशर लो है, वो उधर जब जा रहे होंगे तो साथ आगे जो भी एरिया आएगा वो अंडर रहेगा, उसके स्टॉर्म आ जाएंगे, साइक्लोन्स आ जाएंगे, वो एरिया डिस्टर्ब करते जाएंगे। डिक्रीजिंग वाटर क्वालिटी। देखें, वाटर क्वालिटी डिक्रीज हो रही है, आपको पता है कि जो हमारा वेस्ट है वो इम्प्रॉपर डैम्पिंग नहीं होता, हम ऐसे ही ओपन कर रहे हैं, और साथ जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो ओशंस में, सी वाटर, रिवर्स में डंप कर देते हैं, जिससे जो वाटर क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है। किंग ऑफ पोलर आइस। देखें, 1979 में जो आपके आर्टिक पोल थे तकरीबन वहाँ 2.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स आइस थी, और अब 2014 तक उसमें जस्ट 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स आइस रह गई थी। तो जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। देखें, जो आइस है ना वो क्लियर वाटर है, वो साफ पानी है, वो पीने के काबिल है, वो इनसे रिवर्स वगैरह बनते हैं, तो जब वो ही मेल्ट हो जाएगी आप साफ पानी कहाँ से पियेंगे। सबमर्ज ऑफ कोस्ट। जो साहिल होते हैं, मतलब जो आइलैंड्स बनते हैं, वैसे बनते हैं, समंदर का छोटा सा हिस्सा होता है, समंदर के हिस्से में एक जजीरा बन जाता है, एक आइलैंड में, जो वहाँ लोग रहना स्टार्ट हो जाते हैं, जो सी लेवल राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो वो जो कोस्ट हैं वो सबमर्ज होना स्टार्ट हो गए, वो ख़त्म हो रहे हैं, तो ये एक गुड साइन ही है। फॉरेस्ट फायर। जो फॉरेस्ट हैं उन पर आग लग जाती है, आपने सुना होगा, हर साल सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं उन्हें खुद ब खुद आग लग जाती है, वो टेम्परेचर राइज की वजह से। इंक्रीज एरिड एरियाज। एरिड एरियाज उन्हें कहते हैं कि जहाँ बारिश नहीं होती, जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ गई है, वाटर स्केस्टी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो एरिड एरियाज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सॉइल एरोजन भी बढ़ती जा रही है। सॉइल एरोजन ये कहते हैं कि देखें, आपके जो सॉइल होती है ना, वो जो मिनरल्स को अपने सपोर्ट किया होता है, आपके प्लांट्स को एनर्जी देती है, जिस जब वो अगर कम होना स्टार्ट हो, जैसे सॉइल एरोजन कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ सीजन। सीजन शिफ्ट हो रहे हैं। पहले देखें, पाकिस्तान में जो मोस्टली हर जगह वेदर विंटर वेदर 4 मंथ्स का होता था, वो श्रांक होकर 2 मंथ्स तक रह चुका है। जो वेदर सीजन शिफ्ट हो रहे हैं कि कोई समझ नहीं आ रही सर्दियाँ कब आ रही हैं, गर्मियाँ कब आ रही हैं। सेवर वाटर कंडीशन। जो वाटर कंडीशन है वो सेवर हो चुकी हैं। सी लेवल राइज हो रहा है। चलें, ये तो हमने देख लिया कि नेचुरल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है। अब हम देखते हैं कि सोसाइटियल सिस्टम, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि उस पर क्या इफेक्ट है। फर्स्ट है लैक ऑफ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है ना, उसकी कमी हो रही है। वैसे तो सी लेवल राइज हो रहा है, लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर, उसकी कमी हो रही है। इसकी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान के जितने भी मेजर सिटीज हैं वहाँ आपको साफ पानी मिलता नहीं। वैसे तो किसी भी शहर में साफ पानी नहीं मिलता, लेकिन मेजर सिटी में आपने देखा कि हर जगह वाटर प्लांट्स है, तो ड्रिंकिंग वाटर हर जगह कम हो रहा है, पीने वाला पानी। तो जो IMF की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट में, उनमें यही कहकर 2025 तक पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ साफ पीने का पानी अवेलेबल होगा। तो ये आपसे वाटर पोल्यूशन हो रही है, आपको अंदाज हो सकता है कि पानी की कितनी स्केर्सिटी का सामना है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं, जिससे सारे इश्यूज आ रहे हैं। थर्ड है आउटब्रेक ऑफ न्यू डिजीजेस। नई नई बीमारियां, डिजीज आउटब्रेक हो रही हैं, आ रही हैं। देखें, अब कुछ अर्से पहले एक डिजीज आई थी, ब्रायलर मुर्गी उनसे फैलती थी। अब देखें, अब जो ये ब्रायलर्स होते हैं ना, इन्हें हम, इनसे हमने प्रॉफिट लेने के लिए हम इन्हें जल जल बढ़ा, हम इन्हें केमिकल्स खिलाफ फीड कराते हैं। जब हम इन्हें केमिकल्स फीड कराते हैं तो केमिकल्स खा रहे हैं, तो हमें क्या क्या देंगे, हमें वही चीज़ें देंगे ना, तो जिससे नए नए डिजीज आ रही हैं। लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक पूरा सोसाइटी बनी हुई है, अगर वहाँ फ्लडिंग आ जाती है तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लॉस हो गया। माइग्रेशन ऑफ फौना। फौना परिंदे कहते हैं, देखें हर साल पाकिस्तान में हजारों परिंदे माइग्रेट होके आते हैं, और हजारों परिंदे माइग्रेट करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें, अगर उन्हें फूड्स नहीं मिलेंगे, उन्हें प्रॉपर चीज़ नहीं मिलेंगे, वो अपने फूड्स हंट के लिए एक से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। सिक्स्थ है चेंजेस इन ओशन सर्कुलेशन। जो ओशन सर्कुलेशन है वो चेंज होती रहती है, मतलब उस ओशन में ना विंड करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। विंड करंट्स कोई किस साइड जा रहा है, कोई किस साइड जा रहा है, मतलब एक ओशन इस तरह जा रहा है, उसके विंड करंट्स किस तरह पैदा हो गए,
पानी यूं जा रहा है, विंड करंट्स यूं पैदा हो चुकी है, इस साइड फास्ट करेंगे आपका मिडिल ईस्ट है, तो क्या होगा, वहां से जो करंट्स बनेंगे, वहां जो स्टॉर्म्स बनेंगे, स्टॉर्म्स डायरेक्ट एयर करंट्स का रुख इस तरह होने के इस मिडिल ईस्ट में आके टकराएंगे और वहां की जितनी भी पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यूं जो ओशन सर्कुलेशन चेंज होने की वजह से स्ट्रेटस पर भी अफेक्ट होता है। ड्रॉट्स एंड फिमाइंस, ड्रॉट फिमाइंस आ रहे हैं, जब भी आपकी फ्लडिंग आ जाएगी जो ड्रॉट्स एंड फिमाइंस आएंगे, फ्लड्स हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं कि हर तरह के लोग, हर तरह के जानवर, जो काइंड्स ऑफ एनिमल्स, पीपल, किसी चीज के काइंड उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब दुनिया में कोई सी रूह रूह वाली चीज है जिसके पास जान है, उसे हम कहेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी है। ये हर बायोडाइवर्सिटी के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक फॉरेस्ट चाहिए होता है। जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कैसे बचेगी। सुनामीज आ रहे हैं अमेरिका में, हर साल कई सुनामीज आते हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट ट्रंप साहब जो सबक सदर हैं अमेरिका के, उनसे कहा गया कहते कि आप इंडस्ट्री पे कंट्रोल करें, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आपके हर साल कई आपके जो शहर हैं, स्टेट्स हैं, वो सुनामी से हिट होते हैं, आप इन पर कंट्रोल करने के, नहीं मैं नहीं मानता क्लाइमेट चेंज कुछ कुछ नहीं होता। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स ख्याल से हम दराने, फिर उन्हें पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ कर लिया था, वो ये कहता कि कार्बन एमिशन पे कंट्रोल करना, उन्होंने कहा हमने नहीं करना, हमने इंडस्ट्रीज बढ़ानी है। तो ये मेरे ख्याल में ख्याल से मदराने ही फैसले हैं। सुनामीज आ रही हैं, फिर इकोनॉमिक लॉसेज होंगे, जब फ्लड जाएंगे आपको डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इकोनॉमी लॉसेज होंगे, रिस्क ऑफ स्टारवेशन है, हंगर बढ़ जाएगी और फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, अब देखें अब सॉल्यूशंस भी हमें देने चाहिए कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना नहीं चाहिए। हमें क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट इन क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी क्या होता है, जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वेस्ट को आप बर्न करें, उसे बायोफ्यूल बनाए, सिन गैस बनाए, उससे आप क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो वेस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा और आपको एनर्जी भी मिल जाएगी। एनर्जी एफिशिएंट कार्स बनाए, ठीक है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करें, एनर्जी एफिशिएंट कंट्री हो जाएं, अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, टैक्स ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशंस लगाएं, वो पोल्यूटेंट्स जो ग्लोबल को वार्म कर रहे हैं उन पे टैक्स लगा दें। मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनके CO2 ज़्यादा इमिशन कर रही हैं, NOx ज़्यादा इमिशन कर रही हैं, तो उन पे पाबंदियाँ लगा दें। आप देखें जो कोल प्लांट है ना, उसे वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग है पूरी दुनिया के लिए। जब चाइना पाकिस्तान में कोल प्लांट को लेकर आ रहा था, तो उस वक्त ये इशू राइज हुआ था हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए हमारा तो ऑलरेडी जो का हमारा कंट्री है वो इतना अफेक्ट है क्लाइमेट से, 7th नंबर पे वर्ल्डली अफेक्ट है हमारा कंट्री। अगर अब यहाँ कोल प्लांट आ गए तो हम तो और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएंगे। जो कोल है ना वो एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं, वो बहुत ग्रीन गैसेज रिलीज करते हैं। तो कोल प्लांट है, हम उसकी जगह न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए जिससे जो आपकी इमिशन है, ग्रीन हाउस इमिशन है, वो कम से कम हो जाए। कैप CO2 इमिशन, जो CO2 इमिशन है कैप कर दें, एक लिमिट से आगे इमिशन आप ना कर सकें। आप ऐसे प्लेसेस लेके हैं कि लोगों को बायोफ्यूल ज्यादा रेडली अवेलेबल हो, ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो, ताकि वो बायोफ्यूल की तरफ जाएं, न्यू टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसके अलावा मैं एंड में ये कहूँगा, देखें अगर आप CSS करना चाह रहे हो और आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप सिंपल हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहाँ काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आई होप वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, बहादुर रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।